हेलो फ्रेंड्स, संजय गुप्ता क्लासेस में आपका वेलकम, स्वागत। और परीक्षा का टाइम चल रहा है, इसलिए समय कम ही मिल पाता है आपसे मुलाकात करने का। और हमारा पांचवा अध्याय चल रहा था, पांचवें अध्याय में हमने खेड़ा के बारे में चर्चा कर ली थी थोड़ी सी, और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और चंपारण के बारे में विस्तार से चर्चा की थी हमने। चंपारण के अंदर हमने देखा था कि राजेंद्र बाबू और ब्रजकिशोर बाबू गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे, और वहाँ पर जो समस्या थी वो थी तीन कठिया समस्या। इसी तरह से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के अंदर हमने देखा कि गांधी जी के साथ सहयोगी के रूप में वल्लभ भाई पटेल, अनसुईया बेन और अन्य साथी उनके साथ में थे। और इसके बाद में गांधी जी के पास में निमंत्रण आया कि आप खेड़ा आइए, खेड़ा भी गुजरात में ही है, और वहाँ पर जो समस्या थी उसका समाधान करना था। और समस्या वहाँ पर थी कि किसानों से लगान वसूली की जा रही थी, वहाँ पर अकाल के बावजूद किसानों को किसी भी तरह की रियायत नहीं जा रही थी, उनकी ज़मीन कुर्की की जा रही थी, और ज़मीन कुर्क करना और उनके पशु और घरेलू सामान तक कुर्क किया जा रहा था। तो गांधी जी वहाँ पहुँचे और उस समस्या का उन्होंने समाधान किया। तो पाँच का अध्याय आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पाँच के अध्याय के दो वीडियो हो जाएंगे अपने, इनका बार बार आप रिवीजन कीजिए। तो कुंभ के मेले में गांधी जी ने क्या प्रतिज्ञा की, तो कुंभ के मेले के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में भी एक दो सवाल डाले हैं कि सन्यासी ने हिंदू धर्म की क्या बाह्य विशेषता बताई थी, तो शिखा और जनेऊ बताई थी। उसके बाद में कुंभ के मेले में गांधी जी ने प्रतिज्ञा ली कि 24 घंटे में पांच वस्तुओं का सेवन और रात्रिकालीन भोजन का त्याग। हमने देखा था कि कुंभ के मेले से पहले गांधी जी रंगून गए थे, और उससे पहले कलकत्ता से होकर के रंगून पहुंचे थे। तो वहाँ पर उनका जो स्वागत है उसमें पूरे घर के सदस्य लग गए थे। तो गांधी जी को इससे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे कारण लोगों की दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है, मेरी सेवा शुश्रूषा में। और कुंभ के मेले में जब वो शयन कर रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि इस महा अवसर पर जो इतनी पुण्य आत्माएं स्नान कर रही हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मैं विचारबद्ध हो जाऊं। और गांधी जी ने लिखा है कि मेरा जीवन, मेरे जीवन की नींव व्रतों पर टिकी है। तो वैसे ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने अपने जीवन की नींव किस पर टिकी हुई मानी है। तो गांधी जी ने कहा है कि मेरा जीवन व्रतों की नींव पे टिका हुआ है। तो कुंभ के मेले में उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि 24 घंटे में मैं केवल पांच वस्तुओं का सेवन करूंगा और रात्रिकालीन भोजन का त्याग करूंगा। उसके बाद में खेड़ा आ जाते हैं हम। खेड़ा में पाटीदार समुदाय था, तो पहला क्वेश्चन मैंने बनाया खेड़ा में कि पाटीदार समुदाय का संबंध किससे है। तो खेड़ा से, खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे, श्री मोहनलाल पांड्या, श्री शंकरलाल पारीख। इन्होंने गांधी जी को आग्रह किया कि वो खेड़ा में पधारें और इस आंदोलन का नेतृत्व करें। खेड़ा में लगान वसूली कानून क्या था, तो लगान वसूली कानून था कि चार आने या उससे कम फसल हो तो लगान की वसूली नहीं की जाएगी। यानी 1 रुपये में चार आने, यानी 25% से कम उत्पादन होता है। जहाँ किसी किसान के 100 क्विंटल अनाज होता था, यदि ये नज़र आए कि 25 क्विंटल से भी कम अनाज होगा इस वर्ष, तो उस वर्ष लगान की वसूली नहीं की जाएगी। और खेड़ा में अकाल पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद जो आकलन किया गया था जिला कलेक्टर और तहसीलदार के द्वारा, वो चार आने से ज़्यादा दिखाया गया था, क्योंकि चार आने से ज़्यादा आकलन करने के कारण ही सरकार को लगान वसूली का अधिकार मिलता था। इसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह में कौन कौन शामिल थे गांधी जी के साथ, इस तरह के सवाल में मैंने सारे नाम रखे हैं इसमें, क्योंकि प्रश्न इस तरह का दिया जा सकता है कि कौन शामिल नहीं था। तो कौन शामिल थे वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए। वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके खेड़ा सत्याग्रह में ये शामिल हो गए थे। अनुसुईया बेन थी, इंदुलाल याग्निक, श्री महादेव देसाई, शंकरलाल बैंकर, और इसके साथ में मोहनलाल पांडे का मैंने नाम ऊपर बताया ही है। और मोहनलाल पांडे और शंकरलाल बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता थे। शंकरलाल ने अपनी पूरी ज़मीन जो है वो सार्वजनिक सेवा के लिए दान दे दी थी। सत्याग्रही के लिए विनय का अर्थ क्या है, विनय का अर्थ है विरोधी के प्रति मन में आदर, सरल भाव, उसके हित की
इच्छा। सत्याग्रही के लिए विनय, विनयशील होने का अर्थ है विरोधी के प्रति मन में आदर हो, सरल भाव हो और उसके हित की इच्छा हो। तो गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रही के लिए सबसे कठिन है उसका विनयशील होना। खेड़ा आंदोलन में प्याज चोर की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो खेड़ा आंदोलन में प्याज चोर की उपाधि मोहनलाल पांड्या को प्राप्त हुई, और ये इस कारण से हुई कि गांधी जी ने कहा कि सरकार जो है मामूली लगान के बदले या लगान के बदले हमारी खड़ी फसल है उसको काट के लेके जा रही है, तो वो एक सत्य का पालन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी फसल को काट लीजिए, और मोहनलाल पांड्या के खेत में फसल को काटा गया। तो मोहनलाल पांड्या ने जो प्याज की फसल थी उसको अपन 8 लोगों के साथ मिलकर के खोदा, और फिर उनका नाम प्याज चोर पड़ गया। गांधी जी के अनुसार गुजरात में राजनीतिक जागृति का श्री गणेश हुआ खेड़ा की लड़ाई से, और गुजरात सभा के अध्यक्ष गांधी जी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ दीन बंधु की उपाधि उपनाम किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। गांधी जी के परम मित्र थे दीन बंधु, और ये इनका पूरा नाम था C.F. एंड्रयूज। और पिछले वीडियो में हमने पूछा था गांधी जी ने दीन बंधु या एंड्रयूज की त्रिमूर्ति किसे बताया था, तो उसमें जो नाम थे अगर आपको ध्यान हो, सदानंद स्वामी का नाम था, सुशील रुद्र का नाम था और स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर का नाम था गुरुदेव का। तो इन तीनों को एंड्रयूज की त्रिमूर्ति बताया था गांधी जी ने। मुसलमानों की सच्ची मित्रता के लिए गांधी जी को दो आवश्यक कार्य क्या लगे? गांधी जी चाहते थे कि मुसलमानों के साथ में सच्ची मित्रता हो, हिंदुओं की मुसलमान सत्याग्रह में सहयोग दें, तो इन्हें दो आवश्यक कार्य लगे। अली बंधुओं को जेल से मुक्त कराना, अली बंधुओं को सरकार ने अलग अलग जेलों में बंद कर रखा था, और खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमानों की मदद करना। खिलाफत का प्रश्न तुर्की के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी के साथ में था, और हम जानते हैं कि वहाँ पर ओटोमन साम्राज्य का शासन था। तो चेम्सफोर्ड जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने ये आश्वासन दे रखा था कि तुर्की में खलीफा का जो पद है वो समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जब ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया, तुर्की की हार हो गई, तो खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। तो ये खिलाफत का प्रश्न था। मुसलमानों को लगा कि हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई है, वादा खिलाफी हुई है, और इसी के खिलाफ पूरे मुसलमान जगत में हलचल थी, और यही खिलाफत का प्रश्न था। आप अहिंसावादी होकर हमें हथियार उठाने को क्यों कहते हैं? इस प्रकार के वाक्य गांधी जी को कब सुनने पड़े? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गांधी जी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध परिषद की बैठक में गांधी जी को आमंत्रित किया गया, और वहाँ पर जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड, उन्होंने सभी नेताओं से इस बात की मदद की उम्मीद की कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा रंगरूट, रंगरूट का मतलब फौजी, नया फौजी, उसको भरने के लिए, उसको भर्ती करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित करें। तो उस समय गांधी जी का एक उपनाम पड़ गया था, रंगरूट को भर्ती करने वाला एजेंट, रंगरूट एजेंट। तो गांधी जी इसके लिए सबसे पहले खेड़ा में गए थे, और वहाँ पर उन्होंने कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने वल्लभ भाई पटेल, अनुसुईया बेन, इस तरह से एक दल बनाया था। तो जब गांधी जी गाँव में जाते तो लोग उनसे कहते कि आप तो अहिंसावादी हैं, और अहिंसावादी होकर के हमें हथियार उठाने को क्यों कहते हैं? इस तरह की बातें गांधी जी को सुनने को मिली। और आपको ध्यान होना चाहिए कि इस काम के लिए ब्रिटिश सरकार ने या क्वीन सरकार ने गांधी जी को एक उपाधि दी थी, और उसका बार बार मैं जिक्र करता हूँ, केसर ए हिंद, जिसको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब 1920 में शुरू किया था उस समय लौटा दिया था। युद्ध परिषद की बैठक में किन नेताओं की अनुपस्थिति पर गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा? तो ये नेता थे लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और अली बंधु। लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट को जेल में इसलिए बंद कर रखा था क्योंकि इन्होंने होम रूल आंदोलन की अगुवाई की थी, और अली बंधु जो हैं वो जलियांवाला कांड के कारण जेल में बंद चल रहे थे। तो
गांधी जी ने स्वयं को मृत्यु पर पाया जब वो पीड़ित थे पेचिस रोग से। गांधी जी बहुत ही हल्का भोजन करते थे और वो सामान्यतया फलाहार पे ही रहते थे। और एक दिन जब उन बा ने लपसी बनाई, मीठी लपसी, तो गांधी जी ने पहले तो थोड़ी मात्रा में खाने का विचार बनाया, लेकिन फिर उन्होंने पेट भर के उसको खा लिया और फिर वो पेचिस रोग से पीड़ित हो गए। और पेचिस रोग इतना भयंकर था कि गांधी जी को ये एहसास होने लग गया था कि अब मैं मृत्यु के बिल्कुल पास पहुंच गया हूं। तो गांधी जी ने स्वयं को मृत्यु शैया पर बताया जब वो पेचिस रोग से पीड़ित थे। कस्तूरबा गांधी ने पेचिस रोग से पीड़ित होने पर गांधी जी को किस का दूध सेवन करने की सलाह दी। अब ये सवाल इसलिए बना है क्योंकि गांधी जी उस समय दूध का सेवन करना, गांधी जी ने एक प्रण कर रखा था कि वो दूध का सेवन नहीं करेंगे। तो गाय और भैंस जो हैं इनका दूध का सेवन गांधी जी ने बिल्कुल बंद कर रखा था। तो गांधी और डॉक्टर मेहता ने ये कहा कि अगर गांधी जी दूध का सेवन करें तो उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो सकता है। तो कस्तूरबा ने सलाह दी कि वो अगर बकरी के दूध का सेवन करें तो इसमें उनका धर्म च्युत नहीं होगा। और गांधी जी ने उससे आग्रह को मान लिया। गांधी जी ने लिखा है कि मैं सत्याग्रह है और सत्याग्रह में शामिल होना चाहता था। रोलेट एक्ट का टाइम चल रहा था उस समय, तो सत्याग्रह में शामिल होने के अपने लोभ के कारण इस असत्य को स्वीकार कर सका, लेकिन इसके लिए जब भी मैं बकरी का दूध पीता हूँ मुझे इस बात का ध्यान हो जाता है कि मैंने सत्य का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है। उसके बाद में यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन कहाँ से होता था? दोनों का प्रकाशन अहमदाबाद से होता था। यंग इंडिया साप्ताहिक था, नवजीवन मासिक था, ये अपने को ध्यान रखना है। रोलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली में हड़ताल किस तारीख को हुई थी? 30 मार्च को हुई थी। रोलेट एक्ट के विरोध के लिए पहले 30 मार्च का ही दिन निर्धारित था, लेकिन उसके बाद में जो इसकी जो तारीख थी वो 6 अप्रैल कर दी गई। और उस समय संचार के साधनों का अभाव था और जो दिल्ली में तैयारी थी वो 30 मार्च की हो गई थी, तो 30 मार्च को ही हड़ताल कर दी गई और एक बहुत ही शानदार हड़ताल हुई थी। और इस हड़ताल में बड़े बड़े जो नेता हैं वो गिरफ्तार हुए, लेकिन अन्य शहरों में सामान्यतः 6 अप्रैल को ही हड़ताल हुई थी। तो 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट हड़ताल के समय गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी उस समय मुंबई में थे, बम्बई में थे। और यहाँ थोड़ा सा अपने को ये ध्यान करना है कि रोलेट एक्ट के ऊपर हड़ताल करने का विचार गांधी जी को जब वो मद्रास गए थे मार्च में वहाँ पर आया, कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रोलेट एक्ट जो पास हो गया है बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता था रोलेट एक्ट को, जिसमें सरकार किसी भी व्यक्ति को केवल शंका होने पर कि ये देशद्रोह या देश सरकार के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करने वाला है, इसकी केवल शंका पर उसको जेल में बंद कर सकती थी। इसीलिए इसे बिना दलील बिना वकील का कानून कहा गया था। तो उस समय गांधी जी दक्षिण भारत में मद्रास प्रांत में थे और उसी समय वो पहली बार राजगोपालचारी से मिले थे। और वहाँ पर गांधी जी को विचार आया कि पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया जाए। रोलेट एक्ट हड़ताल का नेतृत्व करने जा रहे गांधी जी को किस राज्य में प्रवेश से रोका गया? तो गांधी जी को बुलावा आया, वो मद्रास में थे, गांधी जी को बुलावा आया कि आप हड़ताल का नेतृत्व 6 तारीख को करने के लिए बॉम्बे आए। तो गांधी जी 6 तारीख को बॉम्बे पहुंच गए। उसके बाद में उन्हें नौता आया अमृतसर से केचलू बंधु का, तो उन्होंने कहा कि मैं बॉम्बे से सीधा अमृतसर आ रहा हूँ, लेकिन पंजाब में उनको जाने से रोक दिया गया। तो हड़ताल का नेतृत्व करने जा रहे गांधी जी को किस राज्य में प्रवेश से रोका गया? पंजाब राज्य में। और उसके बाद में हम जानते हैं पंजाब में जलियांवाला बाग जो बाग है उसका कांड हो गया 13 तारीख को, 13 अप्रैल को, और इसमें कई हज़ार लोग मारे गए। और वहाँ की सरकार ने तो ये कहा कि इस सारी करतूत के पीछे गांधी जी का हाथ है, क्योंकि अगर गांधी जी इतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा करते तो अमृतसर में इतनी अव्यवस्था नहीं होती, गोलियां नहीं चलती। और उसके बाद में गांधी जी अक्टूबर से पहले अमृतसर या पंजाब में नहीं जा पाए। और पंजाब में सबसे पहले गांधी जी गए थे लाहौर में, उससे पहले गांधी जी ने पंजाब देखा ही नहीं था। पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर था, जिनके आदेश पे जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई और बहुत सारे लोग मारे गए।
गांधी। और इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेंगे कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ उसके बाद में हंटर समिति का गठन हुआ था सरकार की तरफ से, और हंटर समिति की जो रिपोर्ट आई उसके ऊपर गांधी जी ने एक बहुत ही बढ़िया टिप्पणी की, पन्ने दर पन्ने लजाने वाली रिपोर्ट, पन्ने दर पन्ने लजाने वाली रिपोर्ट गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट के लिए कहा था। गांधी जी ने पहाड़ जैसी भूल किसे कहा है, बिना प्रशिक्षण में बिना प्रशिक्षण दिए खेड़ा में लोगों को सविनय अवज्ञा करने की आज्ञा देना, क्योंकि सविनय अवज्ञा में गांधी जी ने कई सारे नियम बना रखे थे, तो लोगों को बिना प्रशिक्षण के ही जो कानून सत्य के अनुरूप न हो उनकी अवज्ञा की आज्ञा दे देना पहाड़ जैसी भूल लगी, क्योंकि लोगों ने अहिंसा का पालन नहीं किया था। राजगोपालाचार्य से गांधी जी की पहली मुलाकात अभी हमने बताया मद्रास प्रांत में हुई थी, रोलेट एक्ट से जस्ट पहले ही मार्च में। पंजाब में गांधी जी को आमंत्रित करने वाले नेता कौन कौन थे, तो डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, ये दोनों जलियांवाला बाग कांड में शामिल थे और ये अमृतसर में सभा कर रहे थे, और पंडित राम भजत चौधरी। तो राम भजत चौधरी इम्पोर्टेंट है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब लाहौर में पंजाब में गांधी जी पहली बार गए तो पंडित राम भजत चौधरी के घर पे ही गांधी जी रुके थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर सरकार द्वारा गठित कमेटी हंटर कमेटी, हंटर कमेटी के प्रत्युत्तर में कांग्रेस की तरफ से गठित कमेटी के सदस्य थे, तो मैंने सारे नाम लिख दिए हैं, और इस कमेटी की रिपोर्ट स्वयं महात्मा गांधी ने तैयार की थी। तो इसमें शामिल थे मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, बदरुद्दीन तैयब जी और एम जयकर। तो इसमें से अगर आपको तीन नाम दे और एक नाम दूसरा दे दे तो आप आराम से बता सकते हैं पंजाब में गांधी जी को किसके घर ठहराया गया। पंडित राम राज भज दत्त चौधरी, पंडित राज भज दत्त चौधरी के घर। गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमानों को समर्थन नहीं देने के साथ क्या शर्त जोड़ना पसंद नहीं किया, तो इसके ऊपर बैठक हुई थी दिल्ली में। तो स्वामी श्रद्धानंद ने प्रस्ताव किया था कि हम हिंदू जो हैं मुसलमानों को समर्थन दें तो इसके साथ में ये शर्त जोड़ी जाए कि मुसलमान गो हत्या बंद करते, तो गो रक्षा का प्रश्न जोड़ा गया, और गांधी जी ने इसका विरोध किया कि एक किसी भी व्यक्ति की हम सहायता करें उसके साथ में हम अपनी शर्त जोड़ दें ये सत्याग्रह के खिलाफ है। पंजाब के प्रश्न को खिलाफत से न जोड़ने के लिए गांधी जी ने ये दलील दी कि पंजाब की समस्या स्थानीय समस्या है, उसको जोड़ना हमारा अविवेक कहा जाएगा, इलॉजिकल कहा जाएगा। अब कुछ अच्छे प्रश्न और लिए हैं, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं अपितु मन है, तो ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं अपितु मन है, यानी केवल जीभ के स्वाद के लिए न खाएं अपितु हम विवेक रखें, संयम रखें और जो चीज़ हमारे लिए गुणकारी है केवल उसी का ही सेवन करें। दूसरा, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, तो इस तरह का जो सवाल है उसमें सोचना नहीं हमें, और महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन गांधी जी ने किया है, तो निश्चित रूप से नवजीवन, क्योंकि गांधी जी ने नवजीवन का प्रकाशन किया है, यंग इंडिया का प्रकाशन किया है, और एक पत्र जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने प्रकाशित किया था, अगर आपको ध्यान हो, इंडियन ओपिनियन, वो गांधी जी ने प्रकाशित किया था। और केसरी जो है तिलक का है, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का, और अल हिलाल खान अब्दुल गफार खान का समाचार पत्र है, तो गांधी जी का नवजीवन है। तो मित्रों ये छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने और काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें जो चीज़ें हैं, और अध्याय 5 अपना अब लगभग पूरा हो चुका है, और अब हम अध्याय 3 की तरफ चलेंगे।